ये किश्तवाड़ के लोगों का फेस्टिवल है, किश्तवाड़ में ही हो रहा है, वही लोग इसको कर रहे हैं, हम सिर्फ एक एक संस्था के तौर पर इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, और हमेशा इरादा यही है कि सब कम्युनिटीज़ के लोग, सब तबके के लोग, बड़े भी, बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान, सब एक प्लेटफॉर्म पर आएं और एक साथ आगे चलने में जितने फ़ायदे हैं इस इलाके के लिए, उनके व्यक्तिगत तौर पे लिए, उनके परिवार के लिए, उसको हम उनको बता सकें। इतनी तादाद में लोग हैं, खुले घूम रहे हैं, कल मैं सड़क पे आया, बिना किसी हिचक के लोग घूम रहे हैं, रात में भी घूम रहे हैं, दुकानें चल रही हैं, लोग ढाबों में बैठे रास्ते में चाय पी रहे थे, लोग फॉरेन कंट्रीज से आ रहे हैं, रोज़ रिपोर्ट मिलती है मेरे को, आज 6 मोटरसाइकिल पे जर्मनी से आए, कोई 3-4 लड़के ऑस्ट्रेलिया से घूम रहे हैं, मैंने पूछा उनके खाने पीने रहने का इंतज़ाम, कहते वो तो सड़क पे जो मिलता है खा लेते हैं, जहाँ कहीं छोटे मोटे होटल हैं उनमें रह लेते हैं। तो आप ये आप खुद देखिए, ये तो आप मुझे बताइए कि कौन किसका मतलब टेररिज्म ख़त्म यहाँ नहीं है, लेकिन हमें जो दोबारा नहीं आ जाए इसके लिए चौकसी रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा से जब हम बोलते हैं तो सारी सिक्योरिटी फोर्सेज एक असेसमेंट करती है इनपुट्स के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर, किसी से पूछताछ करके, लेकिन ऐसा जो अभी तक हमने देखा है, जितना मुझे यहाँ 6 महीने हो गए और पुराने यहाँ जो साहब लोग हैं, जो एक फोर्स है, पुलिस भी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, ऐसा कोई हमें कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है कि जो यहाँ के रेजिडेंट टेररिस्ट या जो बचे हुए आतंकवादी हों, उन्होंने कोई ऐसा इंसिडेंट ओवरटली ओपनली किया। देखो, एक एक जो एडवर्सरी है, जो भी हमारी प्रगति के खिलाफ है, कोई भी हो, वो पूरी कोशिश करता ही है और कर रहा भी है। हमारी फोकस ये है कि हम अपना ध्यान अपने ऊपर ज़्यादा लगाएं, एक बच्चे को सही शिक्षा दें, सही एजुकेशन दें, उसको गलत और सही में फ़र्क बताएं। अपना जो खुद के नौजवान हैं, हम अपने आप को इतना इतना शक्तिशाली बना लें इस मामले में कि बाहर वाला कुछ भी बोलता रहे, हमें फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए उसके बाद।